नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो पेंट आईपीओ के बारे में। क्या आपको इंडिगो पेंट आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? दोस्तों बता दें, इंडिगो पेंट एक बेहतरीन आईपीओ है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें, इसके बिजनेस की बात करें, बिजनेस काफी बेहतरीन है और किसी भी पैंडमिक से प्रभावित होने वाला बिजनेस नहीं, और इसका जो बिजनेस है काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिगो पेंट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पेंट सेक्टर का, जो इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि पेंट बनाने वाली कंपनी है। साथ साथ पेंट के साथ कई सारे ये अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती है। पेंट में यहाँ पर देख सकते हैं इमल्सन, वुड कोटिंग, प्रीमर्स, डिस्टेम्पर्स, पुटीज एंड सीमेंट पेंट, ये सारी पेंट बनाती है। साथ साथ इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, जैसे मैटलिक इमल्सन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्सन, टाइल कोट इमल्सन, डर्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ इंटीरियर लेमिनेट फ्लोर कोट इमल्सन, एक्सटीरियर इंटीरियर एरेलिक लेमिनेट एंड पियो सुपर ग्लॉस इनेमल, तो ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। साथ साथ इसका जो सेल्स है, देखते हैं प्रोडक्ट का जो लगातार कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, 26% से इंक्रीज हुआ था 2018 में, और 28.62% से फाइनेंशियल ईयर जो 2020 है उसमें इंक्रीज हुआ। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और इसका जो प्रोडक्ट का सेल्स है लगातार इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो मैन्युफैक्चर करती है, जहाँ जो कि एक राजस्थान में है, एक केरला में और एक तमिलनाडु में। साथ साथ एक और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए आईपीओ लेके आए हैं। और साथ साथ जो डेट है कंपनी के ऊपर, उसको भी मतलब रिमूव करना है, तो डेट रिमूव करने के लिए और जो एक नया प्लांट बनाना है उसके लिए, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है कंपनी का आईपीओ लाने का। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, मतलब ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, और एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी मतलब मजबूत जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों लेवल पर। और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छे जगह पर लोकेटेड है, एक राजस्थान में, तो एक केरला में, एक तमिलनाडु में, मतलब काफ़ी मतलब बेहतरीन है। एक प्रमोटर की बात करते हैं, ये सारी कंपनी के प्रमोटर है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर का बिहेवियर कैसा है, ये किस तरह से विजन रखते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी प्रमोटर्स के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह के आदमी हैं और उनका बिजनेस का क्या प्रोस्पेक्टिव है, मतलब क्या वो आगे की ओर माइंडसेट रखते हैं, कंपनी को कितना आगे ले जाना है, क्या करना है कंपनी के बारे में। तो कई सारे प्रमोटर्स हैं, हेमंत जलान, अनीता जलान, प्राग जलान, तो कमला प्रसाद जलान, तो ये सारे कंपनी के प्रमोटर हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं, ये टोटल एसेट है कंपनी का और नीचे टोटल रेवेन्यू है। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है फाइनेंशियल 18 में था, यहाँ पर मिलियंस में है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 403 करोड़ का रेवेन्यू था, और वही रेवेन्यू इंक्रीज होकर हो गया फाइनेंशियल 19 में 537 करोड़ का, और रेवेन्यू इंक्रीज होकर के हो गया मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 में 626 करोड़, और 21 में अभी तक जो रेवेन्यू हो चुका है 260 करोड़ का। वही प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ था फाइनेंशियल 18 में, 19 फाइनेंशियल में हो गया 26 करोड़ का, मतलब 100% से भी ज़्यादा का जंप हुआ यहाँ पर, और फाइनेंशियल 20 में डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया 47 करोड़ का। तो देखते हैं प्रॉफिट में काफ़ी मतलब तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, और फाइनेंशियल 2021 में अभी तक प्रॉफिट हो चुका 27 करोड़ का। आ जाते हैं आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, मतलब नया जो फैसिलिटी लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए मतलब फंड चाहिए, और जो वहाँ पर मशीन लगेगा, ग्रॉस एकर लगेगा उसके लिए चाहिए, और रिपे करने के लिए जो बोरोबिंग है मतलब डेट है उसके लिए, और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए इनको फंड चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का, तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस पर्पस से आईपीओ ये आया है, क्या मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस आईपीओ को लाने का। वहीं इंडिगो पेंट आईपीओ की बात करें तो ये ओपन हो रहा है 20 जनवरी से और ये क्लोज हो जाएगा 22 जनवरी को, 22 जनवरी को, और इसका जो इश्यू टाइप है बुक बिल्डिंग टाइप है, फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर रहेगा, प्राइस का जो बैंड है वह है 1488 रुपये से 1490 रुपये, 1488 रुपीज से 1490 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और इसका लॉट होगा मतलब 10 शेयर्स का, जो मिनिमम होता है 14,000 रहता है पर लॉट,
रिक्वायरमेंट, मतलब अगर रुपीज में बात करें तो 14,000 के आसपास हमेशा रहता है जो वन लॉट का प्राइस। 14,000 से 15,000 के अनुसार ही वन लॉट में शेयर नंबर ऑफ शेयर्स रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये लगभग 1500 के आसपास शेयर का प्राइस है, तो 10 का शेयर का लॉट है। वहीं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 शेयर आपका हो गया, लिस्ट होगा NSE और BSE दोनों पे ये शेयर। वहीं बात करें इश्यू के साइज का, तो 1176 करोड़ का ये इश्यू साइज है। यहाँ पर देखते हैं 1176 करोड़ का इश्यू साइज, जिसमें फ्रेश इश्यू होगा 300 करोड़ का। मतलब यही 300 करोड़ है ये सिर्फ यूज होना है कंपनी के जो कॉर्पोरेट पर्पस है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाया जाएगा, जो मशीन खरीदा जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ 300 करोड़ का यूज होगा। बाकी बात उजहद जो आप देख रहे हैं 876 करोड़ का, वो सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब वो सारा का पैसा जो है 836 करोड़ वो जाएगा प्रमोटर के पास, तो वो सारा का सारा रुपया चल जाएगा प्रमोटर के पास। तो ऑफर फॉर सेल है वो, जिसमें से कुल इतना इक्विटी शेयर है जो कि ऑफर फॉर सेल है, जिससे 876 करोड़ प्रमोटर्स के पास चला जाएगा। वो पैसा प्रमोटर्स के जेब में जाएगा, ना कि कंपनी के पास। तो सारी चीज़ें जानिए, किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं तो कंपनी रुपया जो उठा रही है, मतलब शेयर होल्डर से ले रही है, तो वो किस काम में यूज करने वाला है, कौन सा रुपया प्रमोटर्स के पास चला जाएगा सीधा, कौन सा कंपनी के काम में यूज होगा। IPO आपने देख लिया कि 20 जनवरी से ओपन हो रहा है, 22 जनवरी तक ये IPO अप्लाई कर सकते हैं, 22 को क्लोज हो जाएगा। वही अलॉटमेंट आपका जो होगा 28 जनवरी को होगा, और रिफंड आपका 29 जनवरी को होगा, और जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 फरवरी को, और IPO लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे 2 फरवरी को। वही बात करें तो जो मैक्सिमम लॉट साइज आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 13, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख तक अप्लाई कर सकता है। मिनिमम अमाउंट जिस जो आपको जरूरत पड़ेगा एक लॉट अप्लाई करने के लिए वो है 14,900, और मैक्सिमम जो 13 लॉट अप्लाई करें उसके लिए आपको अमाउंट का जरूरत पड़ेगा 1,93,700 का। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, अभी 94% प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में, और जब वो शेयर लिस्ट हो जाएगा तब प्रमोटर्स का होल्डिंग, आप यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है आप BSEIndia.com पर जाकर देख सकते हैं कि उसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना बचता है। तो ये ओवरऑल था IPO के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम इसके ग्रे मार्केट का प्राइस देख लेते हैं। ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है काफी बेहतरीन है। इंडिगो पेंट के IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 60%। दोस्तों 60% IPO लिस्ट होने तक में ये 100% भी पहुंच सकता है, मतलब इस पे आपको 100% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। 100% हो सकता है 100% से ज़्यादा का भी लिस्टिंग गेन मिले, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये IPO आपसे छूटना नहीं चाहिए, ज़रूर अप्लाई करने का ट्राई कीजिएगा। तो अभी आपने देख लिया ग्रे मार्केट प्राइसेस का है 55 से 60%, जो कि बढ़ करके 100% तक भी हो सकता है। तो अब फिलहाल अभी ये 830 रुपीज से 850 रुपीज है। आप देखते हैं कि जो अनऑफिशियल मार्केट है, जो अनलिस्टेड मार्केट है, उसमें प्रीमियम इतना अभी फिलहाल चल रहा है, जबकि अभी IPO के आने में, फिर उसको लिस्ट होने में अभी आपके पास 15 डेज से भी अधिक का समय है। तो इस IPO में आप जरूर अप्लाई कीजिए, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट जरूर ध्यान में रखिएगा। मार्केट अगर बुलिश रहता है, कोई भी निगेटिव न्यूज ऐसा नहीं होता है जिससे मार्केट में बड़ी गिरावट हो लिस्टिंग के समय पर, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर लिस्टिंग गेन इस IPO में प्राप्त होगा, क्योंकि अभी ही प्रीमियम आप देख सकते हैं 60% का है। तो IPO लिस्ट होते समय ये प्रीमियम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जिस दिन IPO लिस्ट होता है तो जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है जिस शेयर का, जिस IPO का, उसमें और ज़्यादा आपको तेज़ी देखने मिलता है। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप जैसे 5 लॉट अप्लाई करते हैं 5 लॉट आपको मिल जाता है, 50 शेयर्स में आप 40 शेयर्स को सेल कर देंगे और 10 शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।